तो हेलो फ्रेंड्स, रिदम विद्या के इस और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने इसके पहले भी एक ट्राईपॉड का अनबॉक्सिंग किया है, तो ये आज मैंने एक गोरिल्ला पॉड बुलवाया है ताकि मैं अपने वीडियो अच्छे से बना पाऊँ। तो ये बहुत अच्छा आइटम है गोरिल्ला पॉड, आप भी बुला के यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया आइटम है। तो इसकी अब अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये अभी सील पैक है, इसको अपन अभी खोलेंगे। तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक ये रामपुरी चाकू। तो ये हमने इसको काट दिया, ये यहाँ से कट गया है। काटने के बाद में आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या मिलता है। हमने तीन चीज़ कॉम्बो ऑर्डर किया था, तो इसमें तीन आइटम मिलेंगे। तो ये डब्बे को हम रखते हैं साइड में। ये हमारा मेन पैक है, ये पैक के अंदर से ठीक है। तो ये एक फ़ोटो खींचने का ब्लूटूथ रिमोट है, आप फ़ोन को कहीं दूर रख के ब्लूटूथ के ज़रिए इसको क्लिक करके आप फ़ोटो खींच सकते हो, बहुत अच्छी, ठीक है। और ये एक अलग से मैंने अडेप्टर बुलाया है जो मोबाइल होल्डर होता है। तो जो सादे वाले आते हैं ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक के साथ, वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। ये वाला एक हार्ड बिल्ड क्वालिटी का है, इससे आपका फ़ोन नहीं गिरेगा, जल्दी से नहीं गिरेगा। ये दोनों तरफ इसमें रबर लगा है और पीछे इधर स्पंज है, और आप इसको टिकटॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और ये ऐसे लैंडस्केप मोड पर वीडियो बनाने के लिए। ये दोनों रखते साइड में। ये है हमारा गोरिल्ला पॉड, बहुत बढ़िया आइटम है अगर आप वीडियोग्राफी करते हो, फोटोग्राफी करते हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी लग जाएगा ये, झाड़ पे, डंडी पे, डंगाल पे, घर के अंदर किसी भी जगह। तो ये देखो, ये ऐसा आता है गोरिल्ला पॉड, ठीक है। ये इसके लैग है, ये ऐसा मेन इसका, ये मेन है पोज ट्राईपॉड, ठीक है। अब आप इसको जगह के अनुसार ढाल सकते हो, जैसे अभी ये यहाँ पे हमको इसको फैलाना है, तो ये और फैल गया, तो ये ऐसा ट्राईपॉड बन गया। और डाउन करना है तो ये और डाउन हो जाएगा, ट्राईपॉड बन जाएगा, ठीक है। ऐसा बाद में आपको अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेना है, आप उस हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, आपके मन अनुसार आप इसको शेप दो और इसको खड़ा कर दो तो ये खड़ा हो जाएगा, और ये आपका कैमरे को बहुत अच्छे से संभालेगा। और इसको आप कहीं भी लटका सकते हो, कहीं भी मार जाता है। जैसे आप इस पर, आपको मैं सबसे पहले ये मोबाइल होल्डर इस पर लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाना है। तो ये जो गोरिल्ला पॉड है, इसमें यहाँ पे एक क्लिप है, ये क्लिप इसको दबाओगे तो ये पीछे से ये बाहर आएगा, ठीक है। अब इसके पीछे इधर से देखो, माउंट है स्क्रू का, स्क्रू है, इसको हमको इसके अंदर फिट करना है। तो ये यहाँ पे हमको इसको ऊपर रखना है, आप हाथ से भी कर सकते हो, पर मैं इसमें एक स्क्रू ड्राइवर का हेल्प ले लूँगा। ये मेरे पास में मल्टी पिन है, ये मैंने वीडियो में बताया था कि आपको पैड के साथ में रखना चाहिए, अच्छा स्क्रू ड्राइवर है ये, इसको यहाँ रखा मैंने। और इसको मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा हल्के से माउंट, और नीचे रबर की ग्रिप है तो ये सटकेगा भी नहीं, थोड़ा सा इसको किया टाइट। अब इसको वापस इसमें लगा दिया। अब इसके बीच में आप आपका फ़ोन फंसा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी वीडियो आएगी। और आप फ़ोटोज़ के लिए आप इसको मतलब आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कौन सी जगहों पे आप इसको लगा सकते हो, लटका सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली ट्रिक है वो है स्नेक। आपको इसके तीनों पैरों को कोई भी रेलिंग या कोई भी पाइप के ऊपर अच्छे से मोड़ देना है, और जो पोजीशन चाहिए वो पोजीशन में ला के आप इसको अटका दो, तो ये आपके कैमरे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखेगा, और आप बढ़िया से एक स्टेबल वीडियो शूट कर पाओगे। काफ़ी बेहतरीन इसका ये एक पॉइंट है। तो ट्रिक नंबर टू है एंकर होल्ड। आप कोई भी रेलिंग या कोई भी ग्रिल पे इसके पीछे के दो पैरों को एक एंकर का शेप देके, एक हुक बना के आप इसको लटका सकते हो, और ये लटक जाएगा। और एक जो बैलेंस टेबल है उसको बीच में रख के वीडियो बना सकते हो। ये तीसरा वाला जो है, इसका नाम है स्प्लिट एंड्स। इसके आपको तीनों एंड्स को दीवार के कोने पे फ्लिट करना है, और आप टेरिस से बहुत अच्छा शॉट ले सकते हो बिना फ़ोन को गिराए। काफ़ी बढ़िया है ये वाली ट्रिक, इससे आप एकदम रियलिस्टिक, एकदम जीप जैसा इफेक्ट ला सकते हो अपने वीडियो में। और ये देखो आप नीचे से कितना बढ़िया लग रहा है कैमरा। तो फ्रेंड्स, जो चौथी ट्रिक है वो है गोरिल्ला रोल। तो जो इसका नाम है गोरिल्ला, वही ये काम है। आप इसको कोई भी रस्सी, कोई भी केबल पे लटका सकते हो,
बस आपको तीनों पैरों से इसके तीन क्वेश्चन मार्क बनाना है। इसका नाम मैंने ट्रिपल क्वेश्चन मार्क भी रखा था, पर गोरिल्ला रोल ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो इसको आप ऐसे बैंड करके लटका सकते हो, वो एक बढ़िया पोज मिलेगा आपको बहुत शानदार। तो पांचवा स्टेप है, ये है वीडियो रिग। आप अगर वीडियो बनाते हो तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, दो हैंडल को यू शेप में, डब्ल्यू के शेप में आप इसको फोल्ड करो और एक को आप स्टेबल बनाओ जिसको आप पेट पे रखोगे, तो आप काफ़ी अच्छे वीडियो ले पाओगे। ये आप इसको ऐसे रिग के तौर पे यूज़ कर सकते हो और जो पीछे वाला पैर है वो बैलेंस बनाएगा। जो छठवा यूज़ है उसका वो है वॉल एल। आप इसके एक पैर से एल बनाओ और दूसरे पैर से यू, तो आप एकदम इसको कोई भी वॉल पे, स्टीप वॉल जितनी भी रहेगी उसके ऊपर आप इसको टिका सकते हो। देखो जैसे ये एक लास्ट के पैर के भरोसे लटका हुआ है, और यहीं आप अगर इसको सीधा कर दोगे, लास्ट के जो एल है उसको आप सीधा कर दोगे, तो ये गिम्बल स्टेबलाइज़र बन जाएगा। जो आप अगर स्टेबलाइज़र से वीडियो बनाओगे तो वो बिल्कुल नहीं गए हलेगा वीडियो आपका। जैसे ये स्टेबलाइज़र है, आप देखो स्टेबलाइज़र शॉट है, इससे आप वीडियो बनाओगे तो आपका एकदम एकदम फिल्मेस्टिक आएगा लुक। ये है मंकी टेल। आप एक इसकी जो आप जो तीसरा टांग है उसको आप है ना पूंछ के जैसे रोल कर दो, और आप घर में कहीं भी पर्दे के डंडे पे या कहीं भी लटका सकते हो। तो फ्रेंड्स, जितनी भी ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में बताई वो सब मेरी खुद की इन्वेंट की है, और मैंने कुछ कुछ यूट्यूब से भी देखी है। तो आप सभी ज़रूर से इनको आप यूज़ करें, और ये गोरिल्ला पॉड अगर आप यूज़ करते हो, आप वीडियो बनाते हो, आप ज़रूर से आप बुला लो। बहुत जल्द मैं मेरा व्लॉगिंग चैनल चालू करने वाला हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके ये जितनी मैंने आज ट्रिक्स यूज़ की है उन सब से वीडियो बना के उस पर डालूँगा, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स आपको वहाँ मिलेगी, उसमें आपको सारी फ़ोटोग्राफी की भी टिप्स मिलेगी और वीडियोग्राफी की टिप्स मिलेगी, तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, अभी टाइम है उसको बनने में। तो ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से जाके खरीद सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और पुरानी वीडियो सारी देख लो, बेल आइकन दबा दो। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।